सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? इसके पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ एक वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अगले पाठ संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में चाहे वह राम, श्याम, सीता, विद्यालय, दिल्ली, नाम चाहे किसी का भी हो, उसका नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति में राम, श्याम, सीता, वस्तु चाहे मेज, कुर्सी, यह जो आपको बोर्ड दिख रहा है, यह बोर्ड, स्थान जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, इंग्लैंड, अमेरिका, तथा भाव, मनोभाव, मन के जो भाव होते हैं उनको भी संज्ञा कहा जाता है, जैसे लुभावना, बचपन, बुढ़ापा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आए या किसी स्थान का नाम है, वह स्थान जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के नाम का, वस्तु के नाम का या स्थान के नाम का जहाँ पर बोध होता है, वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदाहरण, राम घूमने जाता है। अब यहाँ पर राम जो है वह घूमने जा रहा है, तो यहाँ पर राम का नाम हमको पता चल रहा है कि राम के बारे में कहा जा रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, राम जो एक विशेष व्यक्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह घूमने जाता है। तो यहाँ पर राम जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उदाहरण नंबर दो, राम दिल्ली जा रहा है। अब राम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसी के साथ में दिल्ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक पर्टिकुलर जगह का, स्थान के नाम का पता चल रहा है कि राम दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर जो विशेष नाम है दिल्ली, वह हमको पता चल रहा है कि एक दिल्ली एक स्थान है जहां पर राम जा रहा है। तो इस उदाहरण नंबर दो के अंदर राम और दिल्ली जो शब्द है वह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है उसके अंदर एक विशेष जाति का बोध होता है, जैसे पुस्तकें, शहर, गलियां या नदियां। इसी तरह हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं, सीता फल खाती है। सीता जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, फल खाती है, फल एक जाति है। उसके अंदर हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि वह आम खा रही है, वह अमरूद खा रही है या वह अंगूर खा रही है। सीता फल खाती है, फल जो है वह एक फलों की जाति है। उसके अंदर हमको पता चल रहा है कि यह जो फल है उसके अंदर पर्टिकुलर किसी फल का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमको पता चल रहा है कि यह कोई भी फल खा सकती है, फल खाती है। तो यह जो फल शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उदाहरण नंबर दो, सीता आम खाती है। अब सीता जो है आम खा रही है, आम जो है वह एक विशेष फल का नाम बताया गया है कि आम खा रही है। तो यहाँ पर सीता जो शब्द है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और आम जो शब्द है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम यह कहें कि वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, अब जो नदियां हैं वहां पर यह नहीं कहा गया है कि जो नदी है वह गंगा है, यमुना है, वहां पर नदियां कहा गया है। तो नदियां जो है वह एक, बहुत सारी नदियों के बारे में कहा गया है, वह एक नदी की जाति के बारे में कहा गया है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष जाति का बोध होता है। उदाहरण नंबर भेद नंबर थ्री, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मन के मनोभावों को प्रकट किया जाता है। जैसे आज मौसम बहुत सुहावना है, मौसम जो है वह आज बहुत सुहावना है, हमारे मन के अंदर के भाव निकल रहे हैं कि मौसम जो है वह बहुत सुहावना है, इसलिए इसके अंदर सुहावना जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उदाहरण नंबर दो, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। यहाँ पर व्यक्ति की ईमानदारी का बोध हो रहा है, जो व्यक्ति है वह बहुत ईमानदार है, हमारे मन के मनोभाव निकल रहे हैं उसके प्रति कि वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर व्यक्ति की ईमानदारी को बता रहे हैं। तो यह जो ईमानदार शब्द है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मन के मनोभावों का बोध होता है। यह है आपका चैप्टर संज्ञा और संज्ञा के भेद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।